इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर ही कीजिएगा। वी सपोर्ट बैलेट पेपर, जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग बाय बाय मोदी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है बाय बाय मोदी। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने कहा है कि अब हर युवा की जुबान पर है बाय बाय मोदी। कुछ ऐसा ही यहां पर केसीआर के लिए राहुल गांधी ने कहा था और तेलंगाना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बाय बाय केसीआर, जिसके बाद उनको यहां पर चुनावी हार का सामना भी करना पड़ा था केसीआर को। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और कहा कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, जो देश के लिए लगातार काम करे। ये यहां पर कहना है इंडियन यूथ कांग्रेस का। हैशटैग बाय बाय मोदी यहां पर इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, आरक्षण पर 50% की लिमिट है, हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे, ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक अन्य यूजर ने कहा है कि अब समय आ गया है बाय बाय मोदी करने का, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर लुढ़का भारत। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भारत से आगे है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों ने निशाना साधा है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर ही बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा बाय बाय। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीबी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। बोले, ईडी सीबीआई के अधिकारी मत भूले, सरकारें आती जाती रहती हैं, आखिर कब तक बीजेपी का पट्टा गले में डाल करके चौकीदारी करते रहेंगे, कल को अगर हम सत्ता में आए तो यही अधिकारी होंगे। ये यहां पर जबरदस्त निशाना साधा है श्रीनिवास बीबी ने। और वही दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और अब बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने लगे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास युवाओं से मिलने का वक्त ही नहीं है। अग्निपथ योजना के चलते बेरोजगार हुए 1.5 लाख युवाओं ने पेंडिंग भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर के उनके घर यहां पर पहुंचे प्रदर्शन करने, और उन्हें देख करके जगदीप धनखड़ की गाड़ी दूर होती चली गई उनसे। यह है असली अमृतकाल। उपराष्ट्रपति जी के पास में समय नहीं है युवाओं से मिलने का, उनकी समस्याओं को सुनने का। जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सरकार ने बेहद ही अच्छा काम किया है युवाओं के लिए, उनको रोजगार दिया है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि देश के अंदर हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। इसके साथ ही दोस्तों कांग्रेस के नेता उदित राज ने किया ट्वीट। बोले, मोदी जी ने जो संसद में बोला वो अत्यंत ही खतरनाक बात देश के लिए है। किस दम पर कह रहे हैं कि अगली बार विपक्ष पब्लिक गैलरी में बैठेगा। ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी की ताकत पर ही ऐसा कहा जा सकता है, यह कहना है उदित राज का। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अब होगी ईवीएम हटाव के खिलाफ में जीत की लड़ाई। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी नहीं आगे आती रत्ती भर भी कुछ नहीं होगा, यह कहना है उदित राज का। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ में आवाज उठाई। 22 फरवरी को जंतर मंतर के प्रदर्शन की अगुवाई भी कर रहे हैं एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने यहां पर बेड़ा उठाया है, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है, इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। यहां पर हम लोगों का यह कहना है उदित राज का। दोस्तों अगर आप लोग भी खुले तौर पर निष्पक्ष मतदान के समर्थन में खड़े हैं तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बार फिर से पीएम मोदी का झूठ पकड़ा गया है। जी हां दोस्तों, कुछ मामला ही ऐसा सामने निकल के आया है, वो भी संसद के अंदर यहां पर झूठ बोलते पकड़े गए। 1 फरवरी 2024 को निर्मला जी ने बजट भाषण में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए थे, लेकिन 5 फरवरी आते आते मोदी जी ने 4 दिनों में 1 करोड़ नए घर बनाकर के कुल आंकड़ा 4 करोड़ कर दिया। यानी कि
निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि हमने 3 करोड़ घर बनाए। ये दावा 1 फरवरी को किया गया बजट भाषण के दौरान, और 5 फरवरी को यहाँ पर मोदी जी दावा करते हैं कि हमने 4 करोड़ घर बना दिए गरीबों के लिए। यानी कि पूरी तरह से आंकड़ों में यहाँ पर झोल है, किसी को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने काम किया भी है या नहीं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताते चले, मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। रांची में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड में थे। उन्होंने रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को लगातार खत्म कर रही है। इसी के साथ उन्होंने अडानी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप यहां पर लगाया है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर खबर बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का एक्शन। सांसद एनडी गुप्ता, सीएम के सचिव समेत 12 ठिकानों पर रेड की गई है। आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। हेमंत सोरेन के बाद में अब ईडी यहां पर केजरीवाल के पीछे पड़ चुकी है। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आम आदमी पार्टी के सांसद समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड यहां पर हुई। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां पर भी छापेमारी हुई। खबरों के मुताबिक 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड यहां पर हुई है ईडी की तरफ से। यानी कि दोस्तों लोकसभा के चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियां सीधे तौर पर यहां पर मैदान में उतर चुकी हैं। विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो यहां पर ईडी सीबीआई के निशाने पर बने हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले हर कोई अजीत पवार, नीतीश कुमार या फिर एकनाथ शिंदे नहीं होता है, कुछ लोग हेमंत सोरेन भी होते हैं जिन्होंने क्रांतिकारी की तरह जेल की राह पकड़ ली लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं किया। ये यहां पर हेमंत सोरेन के समर्थन में उद्धव ठाकरे उतर आए हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हीं को निशाने पर लेती हैं जो बीजेपी के खिलाफ में है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया। बोले हमने राहुल गांधी जी से वादा किया है कि तेलंगाना में 15 से ज्यादा सीटें जीत करके उनको देंगे। इसके साथ ही तेलंगाना में यहां पर सोनिया गांधी को लेकर के बड़ा दावा उन्होंने किया है कि तेलंगाना में आपकी छवि मां जैसी है, यहीं से लड़े अगला लोकसभा का चुनाव, सोनिया गांधी से मिलकर के बोले हैं सीएम रेवंत रेड्डी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।